A very warm welcome to this episode. इस एपिसोड में हम आपको घुमाने वाले हैं जो कि ठाणे विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट व्हेनेवर यू आर इन जयपुर. तो आइए देखते हैं चौकी ठाणे में ऐसा क्या है. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में और मैं आपको लेके आ गया हूँ यहाँ पे चौकी ठाणे में. चौकी ठाणे अगेन एक राजस्थानी ट्रेडिशन विलेज है जिसमें आपको आना चाहिए और देखना चाहिए यहाँ पे राजस्थानी कल्चर में क्या है. चौकी ठाणे में मील आपके टिकट के अंदर ही इंक्लूड होता है. इसके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं जो आप ले सकते हैं. एक ट्रेडिशनल पैकेज है जहां पर आपको एक जगह पे बैठ के खाना होता है. अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो ऊपर भी बैठने का अरेंजमेंट किया जा सकता है. एक एसी हॉल है, अगर ज्यादा गर्मी हो तो आप एसी हॉल में भी अपना खाना ले सकते हैं. हमने पसंद किया है ट्रेडिशनल वाला. चौकी ठाणे में अलग अलग राइड्स भी अवेलेबल हैं. चाहे तो आप ये हॉर्स कार्ट राइड ले सकते हैं या फिर कैमल राइड भी आप कर सकते हैं. दिस इज अनदर गुड थिंग टू डू. तो जब भी यहाँ पे आप आते हैं इस तरह की घोड़ा गाड़ी राइड भी आप एंजॉय कर सकते हैं जिसका सिर्फ रेट है 20 रुपए पर हेड. इसको भी जरूर एंजॉय कीजिए. अगर आप चौकी ठाणे में शॉपिंग करना चाहते हैं तो इस तरह की बहुत सारी ट्रेडिशनल शॉप्स अवेलेबल हैं. यहाँ से चाहे आप ये कठपुतलियाँ जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी आप ले सकते हैं, चाहे ट्रेडिशनल ज्वेलरी हो, चाहे होम डेकोर हो, इस तरह के टिपिकल राजस्थानी आइटम्स आपको यहाँ पे काफी शॉप से मिल जाएंगे. तो आप अगर शॉपिंग के शौकीन हैं तो ये जगह भी आपके लिए है. जैसा कि अभी आपने देखा चौकी ठाणे में इसी तरह की यूनिक आर्टवर्क है, जैसे चावल के दाने पे अपना नाम लिखवाना या इस तरह से आप बहुत सारे यूनिक आर्टवर्क भी ले सकते हैं. और जैसे कि पहले भी आपको बताया, अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो इस तरह से राजस्थान आर्टवर्क की कई सोवेनियर्स भी आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं. और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे एंटरटेनमेंट के और भी बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि आप इस तरह के ट्रेडिशनल गेम्स भी खेल सकते हैं जो बिल्कुल नॉमिनल प्राइजेस पे 10 रुपए 20 रुपए में आप इंजॉय कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आप चाहें तो चाहे आर्चरी हो या ये रिंग जैसे गेम्स हो, ये सब आप खेल सकते हैं. पर गेम्स की भी कोई कमी नहीं है. तो मैं फिलहाल दांत गिराने वाला हूँ जो नॉर्मली हम लोग नहीं करते, बट यहाँ पर आके आप ये कर सकते हैं. कितने सर? 10 रुपीज में 6 बार दांत गिराने का मौका है. तो जिसके साथ आप दुश्मन है उसके बारे में सोचिए, दांत गिराइए. हैव अ लुक. तो सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ गेम्स तो यहाँ पर हैं ही हैं, बाकी अगर आप मेहंदी लगवाना चाहें तो उसके भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास हैं. कठपुतली का डांस देखना चाहें तो वो भी हैं, और कठपुतली का ही क्यों, अगर आप वैसे भी डांस देखना चाहते हैं उसके भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं. इन सभी एक्टिविटीज को एंजॉय करने के बाद अब अगर आपको भूख लगे तो आपको प्रोसीड करना चाहिए यहाँ के डाइनिंग एरिया में, जहाँ पर आपको टिपिकल राजस्थानी मील्स प्रोवाइड की जाती हैं. एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको एक पत्तों की प्लेट के अंदर बेसिकली पूरी राजस्थानी थाली सर्व की जाती है जिसका आप मजा ले सकते हैं. डिनर मुझे दिया गया है वो है गट्टे की सब्जी है, सरसों का साग है, कि आप देख सकते हैं कैबेज और खीरे का सैलेड है, जिसे कड़ी और दाल बाटी चूरमा. तो इसमें जैसे कि दाल बाटी को चूरमा को किया जाता है, क्रश करके आप कीजिए. दिस इज़ चूरमा, दाल बाटी, दम आलू, साथ में ये मक्की की रोटी है, सांगरी का अचार है, लोबिया है, चटनी, मक्खन और लहसुन की चटनी. तो थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट करके भी बता देता हूँ. जैसे बाजरे की रोटी इसके साथ, लेट्स सी, बहुत बढ़िया यार, एक्सीलेंट. और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो है ये सांगरी का चाप, बहुत बढ़िया. आपको मैं दम आलू भी पड़ा हुआ टेस्ट करके मैं बताता हूँ. दम आलू भी एक्सीलेंट और दाल बाटी चूरमा, दिस इज़ दाल बाटी. इसमें थोड़ा सा हम डालते हैं चूरमा
एंड दिस इज हाउ इट इज ईटन। बहुत बढ़िया। दिस इज अगेन कड़ी। ये आप सरसों का साग में आपको टेस्ट करके बता चुका हूँ। गट्टे भी थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेते हैं फिर। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे आइए, बैठ के खाइए और राजस्थानी हॉस्पिटैलिटी का मजा लीजिए। चौकी ढाणी में आपको तीन खाने के ऑप्शंस मिलते हैं। एक 750 का है जो बेसिक है जो हम लोगों ने अभी खाया, दूसरा है ये 950 का, इसमें थोड़ा सा आपको बैठने को मिलता है बट थोड़ा ट्रेडिशनल टच आप पहना के लूज कर देते हैं, और एक 1200 का है विच इज़ इन एसी, तो थोड़ा सर्दी का टाइम है उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं मेक श्योर करें कि आप खाना ज़रूर खाएं जो राजस्थानी ऑथेंटिक खाना है, और यहाँ की जो एक विलेज टाइप की एनवायरनमेंट है, यहाँ पे राइड्स हैं उसको एंजॉय करें, गेम्स हैं जो विलेज गेम्स हैं उसको एंजॉय करें, और जो है तकरीबन 2 से 3 घंटे यहाँ पे घूमें, एंजॉय करें, और जयपुर का ये एसेंस है यहाँ पे ज़रूर आए। तो उम्मीद करता हूँ चौकी ढाणी का ये एपिसोड आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहे। जल्दी मिलता हूँ जयपुर के और वीडियोस के साथ। अब तक के लिए डू टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।